तो भाई किसको किसको मंचूरियन खाना है आप लोग कमेंट करके बताना यार। वैसे तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि मोबाइल पे जाएगा नहीं, लेकिन पूछ ले रहा हूँ। कैसे भाभी बोलियो बलमा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो दोस्तों सबको जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अभी दुकान वगैरह के लिए, मतलब दुकान नहीं बाजार वगैरह यार, दुकान वगैरह से तो सामान मैंने टोटल लिया आया था। और भाई देखो 6-7 साल में ना फर्स्ट है, मतलब दीदी थी तो पहले रंगोली बनता था, उसके बाद 6-7 साल के बाद बहुत दिन के बाद रंगोली बनाया। भाभी आ गई तो कम से कम घर में रंगोली तो बनाया ना भाई, काफ़ी सही है। और देखो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको आपका भाई की वीडियो कैसी लगती है। कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा, रैली में निकला, मतलब रैली में काफ़ी ज़्यादा मैं ब्लॉग वगैरह बनाया, रील्स वगैरह बनाया यार उधर का। और उसके बाद फिर मैं चला गया था अंबिकापुर घूमने के लिए, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त आकाश हम लोग चले गए थे अंबिकापुर ही, अंबिकापुर की रैली में थोड़ा घूमे फिरे, एंजॉयमेंट किए, ठीक है। देखते हैं आज का दिन वगैरह कैसा चलता है। और फिलहाल मैं जिम वगैरह गया था तो मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था, तो घर पे ही मैं मोबाइल वगैरह छोड़ के निकल गया था। चलो फिर निकलते हैं फटाफट से बाजार वगैरह। ये देखो भाई आप भाभी जी बनाई है, रात को ना काफी लेट हो गया था, नहीं तो और बड़ा सा रंगोली बनता, लेकिन जितना भी बना है भाई काफी है यार, पूरा सजा है भाई, डेकोरेशन वगैरह, ये अपना अग्रेसन चौक, झंडे पे झंडा है भाई, पूरा कार्यक्रम वगैरह तो बहुत ज्यादा हुआ है। कल का दिन मेरा काफ़ी सही रहा भाई, मतलब पता ही नहीं चला यार, ऐसे दिवाली की तरह ना कल का दिन पूरा का पूरा गुजर गया। फिलहाल मैं बाजार के पास पहुँच ही गया हूँ, मैं सोचा थोड़ा सा मोटो ब्लॉग टाइप से भी कुछ कर लूँ। चलो फिर बाजार पहुँच ही गया हूँ। तो पूरा एरिया सजा है, जितना भी सजा है काफी है, ये वाला इलाका ना अक्सर गीला ही रहता है और गंदा ही रहता है यार। क्या हाल मनीष भैया, चलो फिर सामान वगैरह निकालते हैं। भाई 3 किलो बड़ा प्याज और 4 किलो टमाटर निकाल दे फटाक से। कटहल कितने का गाइस, देखो यार कटहल देख रहे हो आप लोग कितना छोटा छोटा है, और ये होगा कम से कम 100-100 रुपए के आसपास। कहाँ बुकिंग जा रहे हैं कि आ रहे हैं? जाएंगे जाएंगे। कहाँ का बुकिंग है? महंगा वहाँ सुबह का शाम का। चलो कटहल कितना के है? हाँ तौल के चल मैं चढ़ा तू, ठीक है। और ये है 600 ग्राम, कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 60 रुपए। इतना सस्ता कब हुआ यार? आज तो फिलहाल में भाई मैं मसाला भूजी रहा था और हमारे भाई साहब बना रहे हैं आज मंचूरियन, ठीक है। तो फिलहाल में मैदा का आटा, सॉरी बन गई। और ये एक्स्ट्रा भुजिया है, एक बार और बनेगा अभी, एक बार और बनेगा, दो बार मतलब। तो गाइस ये देखिए आप लोग, मैदा का भुजिया बन चुका है भाई, मतलब मंचूरियन यार, मैं तो यही बोलता हूँ भाई, चौपाटी हो या फिर यहाँ हो, भाई साहब मंचूरियन बना रहे हैं और ये बन के रेडी हो चुका है। कैसी जीभ लप लपाई, एकदम परफेक्ट खाया, एकदम मस्त था और बना भी एकदम मस्त था। ये देखो आप लोग, तो भाई किसको किसको मंचूरियन खाना है आप लोग कमेंट करके बताना यार। वैसे तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि मोबाइल पे जाएगा नहीं, लेकिन पूछ ले रहा हूँ। कैसा बना है खाके बताओ यार, मैं तो सूखा भजिया ही खाऊंगा भाई, मैदा वाला कोई दिक्कत नहीं मेरे को।
क्योंकि मैं मसाला भून रहा हूँ ना, तो टाइम मेरे पास थोड़ा कम, मसाला भून उसके बाद फिर खाऊंगा। पैरोट है ना, तोता की तरह बोलती है। हाय ब्रो। हाय। ये देखो गाइस, इससे पहले जो बना था हम लोगों ने खा लिया है, लेकिन अभी जो बन रहा है दोबारा, दो बार बन रहा है ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो गया था। हाँ, इसलिए दोबारा बनाना पड़ रहा है। दिनो मोटो, दिनो मोटो। अरे शक्कर, सादा नमक। शक्कर कहाँ भाई? शक्कर है ना साइड में। हम अभी बना रही इधर रोटी दो। विनीगर, विनीगर। चलो भाई इतना और इधर भाभी देख रही है कि कैसे बन रहा है। कैसे भाभी बोलियो बलमा। चलो भाई बनाते रहो, वो खाते रहो। क्या चटपटा बना था यार गाइस, अभी बन जाए फिर से फिर खाऊंगा तो आप लोग को दिखाऊंगा। मिल नहीं पाएगा उसके लिए मत बोलना यार कि भाई हम लोगों को भी खाना है, क्योंकि मैं कैमरे पे डाल नहीं सकता। गैस बंद है, चालू है? चालू। हे गाइस, फिलहाल मेरा टाइमिंग 4 बज चुका है और फाइनली जस्ट मेरा दुकान अभी तुरंत ही लगा है। मेरे को ना लगभग 1 घंटा के आसपास लेट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई। बादल के हैं, इसके पाल वगैरह लेके आया हूँ, देखते हैं पानी गिरता है कि नहीं गिरता है। क्या ही है फिर, अभी निकल गया, भागना मत ना। डबल डबल भैया, सिंगल आपको मिला, ये इधर एक जगह डबल लगा दीजिए और एक जगह सिंगल जी भैया। कहाँ चल गए थे भैया, नहीं दिख रहे थे ना भैया? कहाँ चल गए, नहीं दिख रहे थे? कभी कभी खो जाना भी अच्छा रहता है भैया, लंबा लंबा मतलब चल जाते हैं। बड़े वाले भाई का शादी था, उसके बाद थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, इसके चक्कर में गायब होना पड़ा। मंगलवार। हाँ,
उसमें देखो। मैं समझ गया भाई, मैं समझ, मेरे पास दो है यार। और क्या जगह निकलवा ली फिर जाके कल जो हूँ नहीं पता है कि निकली सर मुझे। पैसा नहीं ले मैडम, मीटिंग में रहना बेटा। तो निकलवाए कि नहीं रखी थी साइन भैया? डबल डबल सिंगल सिंगल, एक जगह डबल एक जगह सिंगल, इधर भी दिया एक जगह डबल एक जगह सिंगल। तो सिंगल लेगा कि डबल? सिंगल चला दो बेटा। सिंगल में कितना भैया? चलेगा ना गुड़िया? हल्का है, हल्का है। एक एक दो दो, एक एक दो दो, तुम्हारा दो ठोक बंद मत कर तुरंत। कौन सीखा? सिंगल एक डबल का डेट बोले ना आपको? मेरे को लगा भैया लोगों कौन सा लगा लू ये मीठा उठा सब चलेगा ना ब्रो? हाँ थोड़ा बनाऊंगा नारियल चटनी लेगा कि नहीं लेगा? बस टमाटर? हाँ, बस
अभी फिलहाल मैं निकाल रहा हूँ गाइस, गर्मा गर्म मुंगोड़ी एक प्लेट पार्सल करना है इसमें से। फिलहाल में भाई पीछे बनाया हूँ गाइस, तो मार्केट फिलहाल में एक समय बहुत ज़्यादा भीड़ था, अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं, पूरा चौपाटी खाली है, सिर्फ मोमोज के ठेले पे भीड़ है। दीपक भैया का बोलते हैं कल मैं बहुत ज़्यादा बेचा हूँ, आज इनके दुकान में कोई ग्राहक नहीं है, इनके साथ में मोय मोय हो गया है, छोली मत दिखाओ, दूर से चेहरा दिख रहा है आपका। दीपक भैया के साथ में मोय मोय हो गया, क्या हो गया दीपक भैया आपके साथ? ले जाना नहीं तो पाँच का ना मीठा मीठा खट्टा खट्टा सब रहेगा ना भाई। बिल बता दीजिएगा ना पैसा। भाई मार्केटिंग ना बहुत देर से नहीं था, फिर अचानक से भीड़ हुआ और मार्केटिंग काफ़ी सही रहा। तो भाई लोग ना मतलब मोए मोए तो अपने साथ हो रहा था, लेकिन बहुत 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 ही ज़्यादा सामान फटाफट निकला अपना, आठ आठ पीस दस पीस आते थे। और दीपक भैया के साथ भी मोए मोए हुआ रहा, लेकिन उनका भी मार्केटिंग ठीक ठाक रहा, अचानक से भीड़ हुआ। हाँ भाई को भी एक लगा दूँ ना भाई, बस निकाल रहा हूँ ना। अरे नहीं यार गाइस, फिलहाल में मुंगोड़ी वगैरह फिनिश हो गया है, चीला एकदम थोड़ा सा बचा है, लगभग 5-6 के आसपास चीला बचा हुआ होगा, मुश्किल से 5-6 के आसपास। और कटलेट मेरे पास, कटलेट मुश्किल से मुश्किल 15-20 के आसपास कटलेट बचा है, टोटली सामान मेरा लगभग फिनिश के आसपास ही है। और मार्केटिंग बीच में बहुत ज़्यादा सोलो था, लेकिन धीरे धीरे पूरा सामान निकल गया भाई। नहीं है 50 का चेंज, 50 का एक नोट दे, 50 का एक नोट दे सकता हूँ, चेंज नहीं दे सकता हूँ, चेंज नहीं है मेरे पास, 50 बोलोगे तो नोट दे सकता हूँ 50 का। तो फाइनली दीपक भी अपना दुकान बढ़ा चुके हैं, सामान वगैरह सब कुछ रख लिए, बर्तन वगैरह सब रखा गया है, अब मेरा भी लगभग ये देखो भाई पूरा पूरा सामान वगैरह रखा ही गया है लगभग। वो क्या खिलाऊँ मैं, कुछ नहीं बचा है भैया, सब सामान फिनिश। मैं खुद जा रहा हूँ कुछ और ले जाने घर के लिए। दादा सोया पार्सल हुआ घर के लिए, मेरे को कुछ बुला रहे हैं, बुला के बोल रहे थे आप है? पार्सल हो गया ना, कर दिया सब, सब आके डाल दिए ना। चलिए गाइस पार्सल हो गया, चलो अब निकलते हैं। इसमें सोया है और चाउमीन है, भाभी मम्मी जिसको खाना होगा वो खा लेंगी, दादा के पास बच्चा भी था, फ्री में नहीं लिया हूँ भाई, पैसा दे के लिया हूँ, ठीक है चलो फिर निकलते हैं। सबसे पहले काम करता हूँ आलू ले लेता हूँ, खुला आलू लूँगा 6-7 किलो के आसपास। हे गाइस, तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ घर, मार्केटिंग ठीक ठीक रहा, ठीक ठाक रहा, चीला 2-4-5 बज गया था, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। मार्केट वगैरह आपके भाई का पूरा निकल गया, मुंगोड़ी भी आपके भाई का लगभग लगभग पूरा फिनिश हो ही गया, मार्केटिंग बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है। और आलू ना मैं लगभग 3-4 किलो के आसपास घर पर बचा होता, 4-5 किलो जो भी, और तो फिलहाल 6-7 किलो के आसपास आलू में देखो खुला आलू लिया हूँ भाई, खुला आलू आज के लिए लिया हूँ, खुला आलू इसलिए लाया हूँ क्योंकि कल मेरे को उठाना है गैस, इसके चक्कर में, ठीक है, नहीं तो मैं आलू का बोरा ही उठाया रहता, तो ये आज लिया आया हूँ ना, तो कल दुकान खुलेगा आज वाले, मतलब कल गैस आ जाएगा, कुछ कुछ पैसे मिला के ले आऊँगा मैं एक सिलेंडर, और उसके बाद फिर कल जो मैं शॉप वगैरह खोलूंगा ना, तो परसों मैं एक आलू का बोरा ले आऊँगा, तो काफ़ी मच बेटर रहेगा। और आलू अभी इसलिए लिया हूँ क्योंकि सुबह सुबह मेरे को 6-7 बजे जिम जाना रहता है। चलो फिर फिलहाल मैं जा रहा हूँ मैं सोने के लिए। दोस्तों कि आपको आपके छोटे भाई की वीडियो पसंद आई होगी, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।